अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। I'm sorry. Genuinely sorry. क्या तुम अपने दोस्त को माफ कर पाओगे? डॉक्टर शिव, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। दोस्ती तो होते हैं जो एक दूसरे की सारी बातें समझ जाते हैं, पर हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। दोस्त होने के नाते बहुत देर से हमारे मन में कुछ सवाल है। कैसे सवाल? आपके अतीत के बारे में। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिव, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। देखिए, प्रॉब्लम जो भी है ना, हो सकता है कि हम दोनों साथ मिलकर इसे सॉल्व कर सके। डॉक्टर शिव, प्लीज बताइए ना। देखिए, उसके बाद ना हमें भी आपको कुछ बताना है। क्या? कुछ लोगों का सच। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुछ लोग हैं जो आपके अपने बनते हैं, लेकिन वो लोग ना पराए कहने के भी हकदार नहीं है। उन लोगों को सिर्फ एक नाम से बुलाया जा सकता है, और वो है दुश्मन। किसके बारे में बात कर रही हो? डॉक्टर शिव, आपको हम पे पूरा विश्वास है। हम जानते हैं ना कि हम जो भी कहेंगे वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए कहेंगे। हाँ, शिव जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं। वो राम के रूप में रावण है, रावण राक्षस है। डॉक्टर शिव, आप हेलो चाची जी, थोड़ी कहाँ है तू? अभी कभी घर आ जा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ये सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, इन शॉर्ट फटाफट घर आ जा, समझी ने? ठीक है, हम अभी आते हैं। डॉक्टर शिव, हम आपसे बाद में बात करते हैं, अभी जाते हैं, बाय। अपने प्यार को दोस्ती का नाम ले दिया। मैं तो अपनी फीलिंग्स को कोई नाम भी नहीं दे सकता। मुझे प्यार करने की इजाजत नहीं है। जहां मेरी जिंदगी थमी है ना शांति, वहां से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आई एम सॉरी। डॉक्टर शिव से फिर से वो सवाल नहीं पूछ पाए जो हम उन्हें कब से पूछना चाह रहे हैं। पता नहीं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हम डॉक्टर शिव को जानते ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उनके चेहरे के पीछे एक ऐसा चेहरा है जो हम बिल्कुल नहीं जानते। डॉक्टर शिव इतने बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन फिर उस दिन घाट पे वो उस बच्चे का इलाज क्यों नहीं कर पाए? खून देखते साथ ही उन्हें डर क्यों लग जाता है? बच्चे को कुछ हो जाएगा, अब चलिए ना। और क्यों इतनी छोटी सी छिपकली को देखकर वो इतना डर गए? नहीं शक्ति, अंदर मत आना, वो कहाँ जाएगा तुम्हें? तुम मुझे नहीं जानती हो, राक्षस हूं मैं, एक शैतान हूं। क्यों डॉक्टर शिव कहते रहते हैं कि वो एक जानवर है, राक्षस है? क्यों? कुछ तो बात है। शिव जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो राम के रूप में रावण है, रावण राक्षस है वो।
हुआ तू आ गई? क्या हुआ चाची जी, सब सब ठीक है? अरे कोई टेंशन की बात नहीं, चल तू अंदर चल, फटाफट अंदर चल, पहले चल 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 चल। चाची जी हमें आपको कुछ बताना है, हमें दी को संभालना होगा, वो कीर्तन और उसकी माँ। क्या बताना चाहती हो शक्ति? बताना चाहती हूँ मेरे और कीर्तन के बारे में? आप वैसे एक बात कहूं, अपने होने वाले जीजा का नाम नहीं लिया करते। जीजा? हाँ शक्ति। मंदिर आंटी, हमारा मतलब है मम्मी जी आज तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर हमारा रिश्ता लेकर आई है, और वो चाहती है दोनों भाइयों का विवाह एक साथ हो। शक्ति को ना शक था कि शायद कीर्तन हमसे प्यार नहीं करते, इसीलिए उन्होंने हमारे बारे में घर में अभी किसी को भी नहीं बताया। लेकिन देख कीर्तन अब खुद यहाँ आया है हमारा रिश्ता लेकर अपने मम्मी के साथ। अरे उस वॉनबी से शादी नहीं करना चाहता हूं मैं, पसंद नहीं करता हूं उसे। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं शक्ति, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हमारे मम्मी की बिना यही शर्त थी, लेकिन अब मम्मी के सारे शक दूर हो गए। शक्ति तेरे शक दूर हुए या नहीं? लगता है शक्ति रिमझिम को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव है, पर अब चिंता की कोई बात नहीं, अब तो जिंदगी भर दोनों को साथ रहना है। तुम खुद अपनी बहन का ख्याल रख सकती हो, अच्छा है ना, हम पर जिम्मेदारियां कम हो गई। यहां मैके में ना तो छोटे और हम बड़े थे, लेकिन ससुराल में हम छोटे होंगे और तू बड़ी होंगी। तू जेठानी, हम देवरानी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।